एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आइए आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने गांव का खेत। मैं आई हूँ यहाँ पे अपने गांव पर और यहाँ का एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो खेत का वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग इन्जॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और ये रास्ते में थोड़ा सा जो जगह है यहाँ पे पानी लगा हुआ है और हम लोग पानी क्रॉस करके खेत में अपने खेतों में जा रहे हैं। और मेरा गांव और जो मेरा ससुराल है बिल्कुल पास पास में है। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप देखेंगे सामने से ही दिख रहा है। मैं इशारे से दिखा रही हूँ, ये देखिए, वीडियो को जूम करके मैं दिखाऊंगी। ये सामने जो दिख रहा है ये मेरा ससुराल है और जस्ट इसके पीछे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे है हमारा मायका। और मुझे याद भी नहीं है मैं कितने दिन बाद अपने खेतों पे गई थी। ये एक्चुअली जो खलिहान होता है वो खलिहान है और यहाँ पे देखिए हमारे खेतों में लगा हुआ है अरहर और साथ में यहाँ बगल में लगा हुआ था जो बाजरा होता है, जो भुट्टा बोलते हैं ना उसी का होता है, एक दूसरा प्रकार होता है, इसे गाय को या भैंस को खिलाते हैं वो है। और देखिए भव्या पानी में कूद कूद करके इंजॉय कर रही थी, पूरा कपड़ा भिंगो चुकी है और उसके बाद खेतों में आई है। और गांव जाने के बाद बच्चे बहुत इन्जॉय किए थे वहाँ पे। मैंने भी, मतलब मैं भी बहुत दिन बाद गई थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख कर के, ग्रीन ग्रीन सा बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा था खेत वगैरह। और यहाँ पे मैं भव्या को पकड़ रही थी, आप लोग देख सकते हो सारे अरहर के जो पौधे थे ना उस पर जा कर के उसको गले लगा रही थी और मैं पूछ रही थी, बोल रही थी उससे कि बताओ भव्या क्या है, तो अरहर अरहर कर रही थी उसको ना, मतलब बोलने में अजीब लग रहा था। और यहाँ पे मैं लगा हुआ था घास, तो आया था भाई ले जाने के लिए तो मैं भी उसकी हेल्प करा रही थी काटने में। और यहाँ पे काट रही थी मैं बाजरा लगा हुआ था, ये गाय को खिलाने के लिए जाता है तो वही मैं काट रही थी। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।